एक शादी में एक दुल्हन को काफ़ी सारी चीज़ों की टेंशन जो होती है वो सताती है, जैसे कि पहले हम ले लें शादी का जोड़ा कैसा लग रहा है, दूसरी की बारातियों को खाना पसंद आया कि नहीं, और फेरे होने के बाद इस बात की टेंशन कि जिस घर में मैं फेरे लेने के बाद जा रही हूँ वो मेरा कैसा ख्याल रखेंगे, कैसा परिवार मिलेगा। लेकिन इस वीडियो में इन महिला को देखिए, दुल्हन को देखिए, जिसे इस बात की टेंशन सता रही है कि मैं टाइम पर गुटखा ज़रूर खा लूँ। फेरे के जस्ट बाद ये दुल्हन अपने ही हो चुके पति के साथ खड़ी हुई है, जहाँ ये हाथ में गुटखा लिए धमाधम पान मसाला चबाए जा रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो तेज़ी से वायरल हुआ, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया, हास्य भी उड़ाया। और आज ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज है वर्ल्ड नो टोबैको डे। अब हमने सोचा कि इन महिला को आज एक एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं और आप सबके सामने इनका एक एग्जाम्पल प्रकट करते हैं। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है और टोबैको के कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, आपके रोंगटे खड़े कर सकते हैं। जैसे कि पूरी दुनिया में करीबन 8 मिलियन लोग यानी कि 80 लाख लोग हर साल अपनी जान टोबैको का सेवन करने से गवा देते हैं। इसके अलावा अगर भारत की बात की जाए तो करीबन 1.35 मिलियन लोग यानी कि करीबन 13 लाख लोग हर साल अपनी जान टोबैको का सेवन करने यानी कि तंबाकू का सेवन करने से गवा देते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब लोगों को पता है कि इस तंबाकू में क्या है, हर पैकेट में जिसमें तंबाकू होता है, जिस भी प्रोडक्ट में, उसमें बताया जाता है कि हार्मफुल है, उसके बाद भी लोग इसका सेवन क्यों करते हैं, क्यों इस जहर को अमृत समझ लोग पी रहे हैं, इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे उनसे जिनको इस पूरे टॉपिक के बारे में घनिष्ठ ज्ञान है। हमारे साथ हैं आज फोर्टिस एस्कॉर्ट्स से सीनियर कंसल्टेंट और पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर अभी कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एक बार फिर से हमारे साथ इंडिया टीवी में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभी कुमार, सीनियर कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी मेडिसिन फोर्टिस एस्कॉर्ट्स में काम करता हूं। जैसे कि सही बताया कि आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है, फिर भी लोग इसका सेवन करते हैं, हमें पता है ये एक जहर की तरह काम करता है। इसमें एक्चुअली एक पदार्थ होता है निकोटीन, जो हमें लत लगाने के लिए बहुत सक्षम रहता है, इतना सक्षम रहता है कि आदमी अपनी आधी तनख्वाह इस पे लगाने को बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। वैसे खाने पीने के लिए लोगों के पास खाना नहीं होता, बट इसको जरूर खाना है क्योंकि निकोटीन की जो लत है वो छूटे नहीं छूटती। जी सर, सर इसकी जो लत है वो तो आपने जैसा कि वीडियो में देख लिया होगा, जो महिला है वो अच्छे से बिल्कुल इस पूरे माजरे के बीच में शादी जस्ट हुई है लेकिन फिर भी तंबाकू खाना नहीं भूलती और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन ये कहानी कई घरों की है और भारत में बात की जाए तो हर ऐसे 5वें या 6ठे घर की है जहाँ पर तंबाकू का सेवन होता है। तो सर इसकी जो शुरुआत है वो किस तरह से होती है, आप किस तरह से देखते हैं कि जो टबैको है वो लोग उसका सेवन करते हैं और फिर उन्हें लत लग जाती है, तो निकोटिन इज द ओनली फैक्टर या फिर और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें वर्क करते हैं? देखिए, इसमें जनरली ऐसा होता है कि मैं शुरुआत ये एक सोशल गैदरिंग की तरह होती है कि लोग सोशल गैदरिंग में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, तो शुरुआत लोगों की वहीं से होती है कि भाई चलो एक लगा लेते हैं, फिर धीरे धीरे आदमी को इसकी आदत पड़ ले जाती है, फिर हर चीज में अगर पेशेंट आदमी को जरा सा भी स्ट्रेस होता है या कोई हाँ सुनी हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसी से ही राहत मिलती है कि आपको हाँ मैं तो उसी से रिलैक्स होता हूँ। तो इसको यही होता है कि शुरुआत हमें बहुत ही मामूली ढंग से होती है एक गैदरिंग के, और धीरे धीरे ये आपकी इतना रोजाना हो जाती है कि भी हमें सुबह उठते सार पहले हमें गश्त लगाना है, इसका स्मोकिंग करनी है तभी हमें वॉशरूम जाएंगे, रात को सोने से पहले हम लगाएंगे तभी हम रात को सोएंगे, इतनी आदत पड़ जाती है। जी सर, तो सर जब हम बात करते हैं स्मोकिंग की, टोबैको च्यू करने की, तो इनके अलग अलग तरीके से हम देखते हैं, जैसे अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपको लंग कैंसर के भी चांसेस है, माउथ कैंसर के भी चांसेस है, अगर आप टोबैको च्यू करते हैं तो आपको माउथ कैंसर के बहुत बड़े ज़्यादा चांसेस है। तो सर ये दोनों बीमारियाँ जो हैं इनमें से मतलब किस तरह से ये हमारे लंग को इफ़ेक्ट करती है और जो टार जमा हो जाता है हमारे फेफड़ों में और जिस तरह से हमारी बॉडी पूरी तरह से इफ़ेक्ट होती है, तो किस तरह से लोग इससे बच सकते हैं, किस तरह से रोका जा सकता है और क्या इसका प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर? देखिए, जनरली जब भी स्मोक हम करते हैं, टोबैको स्मोक करते हैं, तो ये जो धुआं है अंदर जाके जमा हो जाता है,
अब शुरुआत हमें ऐसा ही होता है कि खांसी होनी शुरू हो जाती है, बलगम आनी शुरू हो जाती है, हमारे जो स्मॉल एयरवेज हैं उसमें इन्फ्लामेशन आनी शुरू हो जाती है, इन्फ्लामेशन से बलगम ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, तो खांसी और बलगम सबसे पहला जो सिम्टम देखा जाता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम स्मोकिंग चलती जाएगी तो आपके सांस फूलने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, सीटी बजनी शुरू हो जाती है, आपकी एलर्जीज बढ़ जाती है। यहाँ तक भी देखा गया है कि जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं उनको निमोनिया होने का रिस्क भी बढ़ जाता है, ट्यूबरक्लोसिस होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। अगर फिर भी स्मोकिंग नहीं रुकती है तो धीरे धीरे ये एक कैंसर का रूप धारण कर लेता है, कैंसर बनने का सक्षम जो होता है वो स्मोकिंग ना रुकना होता है। स्मोकिंग चलती जाए पेशेंट 20 साल स्मोकिंग करता जाए, हम देखते हैं जैसे ही एल्डरली एज ग्रुप में आते हैं 50-60 की उम्र में आपको लंग कैंसर बनने का बिल्कुल पूर्ण वो हो जाता है। और जो लोग टोबैको लेते हैं उनका मुंह में कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है, लैरिंग्स का, फेरिंग्स का कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो सर जैसे हम बात करें कैंसर की, हमने बात कर ली है, और अगर हम अब आए पैसिव स्मोकिंग, एक टर्म यूज़ की जाती है जिस तरह से जो लोग आसपास बैठे हुए हैं जो भी टोबैको का कंजम्पशन कर रहे हैं, जो भी स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उनके आसपास जो लोग बैठे रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी मात्रा में इस टोबैको का सेवन करते हैं, उनकी नाक के थ्रू, उनके मुँह के थ्रू वो टोबैको किसी ना किसी तरह इन्हेल हो ही जाता है। तो पैसिव स्मोकिंग कितनी ख़तरनाक है, अगर मतलब वो कहते हैं ना कि रोकते नहीं हैं आप तो भी आप जिम्मेदार हैं उस अपराध के, तो क्या ये बिल्कुल वही एग्जांपल है? बिल्कुल जी, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग का मतलब ही ये होता है कि भाई एक जो हमारी मेडिकल टर्म में हम उसको बोलते हैं सेकंड हैंड स्मोक। जी सेकंड हैंड स्मोक का मतलब होता है कि जो आदमी जैसे घर में पी रहा है, एक तो स्मोक से जो सिगरेट से स्मोक निकल रहा है उसको इनहेल कर रहा है, और जो स्मोकर धुआं छोड़ता है हवा में वो भी इनहेल कर लेता है, तो इसको हम सेकंड हैंड स्मोक भी कहते हैं। अब इस स्मोक से आपके जो नहीं भी स्मोक कर रहा है उसके अंदर ये स्मोक चला जाता है और उसके भी उतने ही दुष्परिणाम होता है जो आदमी स्मोकिंग फर्स्ट हैंड स्मोकिंग कर रहा होता है। जैसे कि जो सेकंड हैंड स्मोक को इनहेल कर रहा होता है उनको खांसी, बलगम, सांस लेने में दिक्कत, एलर्जीज, यहाँ तक COPD और आगे बढ़ने का लंग कैंसर का भी रिस्क बढ़ जाता है। तो सर जैसे आपने बताया कि जो साथ में रहते हैं उन्हें भी लंग कैंसर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो मतलब अगर आप अपने घर में स्मोकिंग कर रहे हैं अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के बीच, जो आपके दोस्त हैं आपके परिवार वाले वो चाहे ना भी करते हों लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप एक तरह से उनकी हेल्थ पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो सर इसके बाद जो सवाल आता है कि अगर किसी ने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी है, तंबाकू चबाना स्टार्ट कर दिया है, तो उसको छोड़ें कैसे, क्या रास्ता है? कि मतलब कई सारी गम्स जो हैं वो यूज़ होती हैं कि आप ये च्युइंग गम्स खाएं तो इससे हो सकता है, तो क्या वो एक सोल्यूशन है? अगर वो नहीं तो फिर असल सोल्यूशन क्या है उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा, अगर पेशेंट छोड़ने को तैयार है, पेशेंट का मेंटल ब्लॉक इतना है कि भाई नहीं मैं नहीं छोड़ सकता, फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं उसे छुड़वा सकती है। सबसे पहले जो शुरुआत होनी चाहिए वो पेशेंट खुद से ही स्टार्ट होनी चाहिए कि हाँ मैं छोड़ने को तैयार हूँ, इसी यही संदेश अगर पेशेंट हमें देता है कि तब ये आराम से छूट जाएगी। हमारे पास साइकोथेरेपी भी होती है, हमारे पास मेडिकल थेरेपी भी है। साइकोथेरेपी में हम जनरली पेशेंट से जो 5 A's होते हैं जैसे आस्क करते हैं उनको भी कितनी क्वांटिटी देते हो, एडवाइस देते हैं, उसको असेस करते हैं, फिर उनका अरेंज और असिस्ट करवाते हैं। तो 5 A's नामक एक मोटिवेशनल साइकोथेरेपी होती है, हम उसका भी उसका यूजेज करते हैं। फिर हमारे पास मेडिसन्स भी हैं जैसे कि वेरिनिसिलिन है, बुप्रोपियोन है, निकोटिन पैचेस भी हैं, जिन लोगों को दिक्कत होती है वो निकोटिन पैचेस भी लगा लेते हैं। कुछ लोग च्यूइंग गम, निकोटिन च्यूइंग गम का भी सेवन करते हैं जिससे कि जब भी तलब उठे या स्टार्व हो, क्रेविंग हो, तो हम उसको ये मुंह में डाल लें, उसको च्यू ना करें, सिर्फ उसका रस जाने दीजिए कि भाई उसका इफेक्ट लंबा रहे और आपको तलब ना उठे, आपको क्रेविंग ना हो, तो आप इस बला से दूर रह सकते। तो सर ये हम बात करते हैं जैसे कि जब हम बात करें कि स्मोकिंग की आपने जैसे बताया, लेकिन अब कुछ नई चीज़ें जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता जाता है, कुछ कुछ नई चीज़ें अच्छी भी होती हैं और कुछ कुछ नई चीज़ें बुरी भी आती हैं सामने। इसमें से कुछ नए डिवाइसेज आए हैं जिनको लोग कंसिडर करते हैं कि नहीं ये हेल्थ के लिए बुरे नहीं हैं, ये बस शौकिया चीज़ है, जैसे कि
ई सिगरेट्स हो गई हैं, वेपिंग हो गई है, वेप्स जो आते हैं, तो क्या ये लोग जो समझ रहे हैं कि ये फ्लेवर्ड हैं, ये बिल्कुल हानिकारक नहीं है, बस ये धुआं छोड़ने के लिए, तो क्या ये सच है या फिर हानिकारक असल में है? चलिए देखिए, काफ़ी लोगों को एक चलन सा बन गया है सोसाइटी में कि भाई हम वेप करेंगे तो हम तो थोड़े हाई सोसाइटी के हैं और इससे कोई हमें साइड इफेक्ट नहीं है। देखिए, वेपिंग का मतलब ही ये होता है कि भाई आपका जो लिक्विड फॉर्म है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप उसको इनहेल कर लेते हैं। तो ये जनरली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, इसमें जो निकोटीन भी होता है वो लिक्विड में होता है, उसमें फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल होता है। तो जो हानिकारक चीज़ें होती हैं, एक तो आपका लिक्विड नाइट्रोजन है वो आपका वेपर फॉर्म में लंग्स में जाता है, तो वो भी उतना ही आपको दुष्परिणाम कर सकता है, जैसे कि खांसी, बलगम, सांस, एलर्जी, COPD, आपको फिर लंग कैंसर करने के लिए भी उतना ही पूर्व है कि जितना नॉर्मल सिगरेट में होता है। दूसरा, जो फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स का भी देखा गया है, जो फ्लेवरिंग एजेंट्स उसमें डाले जाते हैं लिक्विड निकोटीन में, वो भी कैंसर करने के लिए काफ़ी उसमें देखा गया कि काफ़ी उनमें पोटेंशियल होता है। तो फ्लेवरिंग एजेंट्स प्लस लिक्विड नाइट्रोजन, इन दोनों चीज़ों का जब वेपर बनता है, पेशेंट अपना इनहेल करता है, तो उनको सेम दिक्कतें हो सकती हैं जो सिगरेट स्मोक से होती हैं। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है कि वेपिंग बिल्कुल सेफ है, वेपिंग से हम बिल्कुल कुछ हमें नुकसान नहीं होगा। तो ये अपने मन में धारणा बिल्कुल गलत पसा रखी है टीनेजर्स ने कि भाई इससे हमें कोई नुकसान नहीं होता है, ये हमें एक अच्छी अलग ही क्लास में देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसके भी हेल्थ हजार्ड्स हैं, इसके भी नुकसान है, तो इनसे बचेंगे तो ही अपनी सेहत को आप अच्छा रखेंगे। सर, ये कुछ है ना चीज़ें आजकल मार्केट में नहीं चली हैं, जैसे कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो मैं यार 2 महीने के ना डिटॉक्स पर हूँ अभी, मैं अब 2 महीने नहीं पीऊँगा, और फिर उसके बाद 2 महीने बाद वो शख्स 2 महीने तक अगर कंट्रोल कर पाता है तो ठीक, और अगर कोई नहीं कर पाता है तो बीच में छोड़ के चल, लेकिन जिसकी कंट्रोलेबिलिटी 2 महीने की है वो 2 महीने की डिसाइड करता है, 2 महीने बाद वापस स्टार्ट करता है। तो ये जो डिटॉक्स का नया चलन चला है, ये टर्मिनोलॉजी जो चली है, क्या ये सही में किफ़ायती होती भी है या फिर मतलब लोग जो कर रहे हैं वो ऐसे ही कर रहे हैं? देखिए, डिटॉक्स 2 महीने के लिए छोड़ना तो कुछ छोड़ना नहीं होता, और दूसरा मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि शुरुआत हमेशा मेरी मैं से होती है कि मैं अगर छोड़ना चाहूँगा तब ये चीज़ें छूट जाएंगी, अगर मैं नहीं छोड़ना चाहूँगा तो मैं चाहे दुनिया जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो चीज़ें नहीं छूटती हैं। तो डिटॉक्स 2 महीने के लिए कोई उसका ऐसा कुछ वो नहीं होगा, पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होगा आपकी हेल्थ पे। अगर आपने आप इतने निर्णायक हैं कि आप 2 महीने के लिए छोड़ सकते हैं तो आप बिल्कुल आजीवन छोड़ सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि आप में इतनी डिटर्मिनेशन है कि भाई आप उसको 2 महीने तक छूएंगे नहीं। तो इस ये ही सिद्ध करता, अगर आप 2 महीने नहीं छोड़ 2 महीने के लिए छोड़ सकते हो तो पूरा आजीवन उसको छोड़ दीजिए, कोई अच्छी चीज़ तो ये है नहीं, इसके इतने हेल्थ हैजार्ड्स हैं। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि अगर आप लोग अपने मन में आपने बसा लिया है कि भाई मैं इसको इससे दूर हट जाऊंगा, इसको छोड़ सकता हूँ, तो इससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात कही सर आपने। सर, एक जो हम देखते हैं कि कैंसर वगैरह के बारे में तो हमें वैसे ही पता है कि हाँ कैंसर हो सकता है, लंग्स जो है हमारे ख़राब हो सकते हैं, इन सब के बारे में लोगों को पता है, लेकिन कहीं ना कहीं निकोटिन और टोबैको में जो और पदार्थ हैं वो बॉडी को और तरीके से जब मेंटली भी वीक बनाते हैं, बॉडी की एनर्जी भी कहीं ना कहीं लूज़ करते हैं, तो ऐसे और क्या चीज़ें हैं, ऐसे और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं निकोटिन को कंज्यूम करने के, वो ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं ताकि थोड़े से सावधान हों जो भी अभी इसे सेवन कर रहे हैं इसका। देखिए, टोबैको तो आपके पूरे शरीर पे ही दबाव डालता है, वैसे ही हमारे ज़िंदगी में कम दबाव नहीं है, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये चीज़ें कम नहीं है जो कि हम एक और दबाव अपने शरीर को दे दें। जैसे कि शुरुआत में लंग्स से करता हूँ, लंग्स जो लोग टोबैको या इनहेल करते हैं या स्मोकिंग करते हैं उनको एलर्जीज़ का बहुत रिस्क बढ़ जाता है, दमा जिसको कहते हैं उनको होने का रिस्क बढ़ जाता है, COPD नामक बीमारी होती है जिसमें आपके लंग्स परमानेंटली एक्सपेंड हो जाते हैं, उससे सांस में दिक्कत हमेशा रहती है, ऑक्सीजन तक की जरूरत पड़ जाती है, फिर निमोनिया होने का रिस्क बढ़ जाता है, ट्यूबरक्लोसिस होने का रिस्क बढ़ जाता है, अगर स्मोकिंग कंटिन्यू रहती है तो लंग कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। फिर हम हार्ट पे आ जाते हैं, जो लोग कंटिन्यूसली स्मोकिंग करते हैं उनके हार्ट पे भी दबाव आ जाता है, उन लोगों को ज़्यादा हार्ट अटैक होने का रिस्क बढ़ जाता है।
दोबारा दोबारा हार्ट फेलियर जाने जाने का रिस्क हो जाता है, आपके हार्ट के रिदम्स गड़बड़ होने का रिस्क बढ़ जाता है, ब्रेन को अगर अफेक्ट करते हैं तो ब्रेन में स्ट्रोक होने का डर रहता जाता है, जैसे ब्रेन हमारा कहते हैं नकवा मार गया हमारा शरीर, वो होने का रिस्क बढ़ जाता है, खून का बहाव कम हो जाता है तो इस वजह से ही क्लॉट बनने का रिस्क और बढ़ जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं अगर उनको भी सेकेंड हैंड स्मोक का सेवन होता है तो उनकी ग्रोथ कम हो जाती है, छोटे रह जाते हैं, न्यूट्रिशनली डिप्राइव हो जाते हैं, तो ये सारे बॉडी पे दबाव इतना डालता है कि इसके मल्टी ऑर्गन रिस्क हैं, कोई ऐसा नहीं है कि भाई एक सिर्फ लंग को ही अफेक्ट करता है। तो ऐसे जहर से दूर रहेंगे तो ही अपने जीवन को आप सुखी और हेल्थी बना सकते हैं। तो देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि आप वेपिंग करके थोड़े कूल बन रहे हैं, सिगरेट पीकर थोड़े से यू नो यो नए मॉडर्न ज़माने के बन रहे हैं, थोड़ा सा फंकी लुक आएगा तो इम्प्रेस कर सकते हैं किसी को, तो आप ये एक बुद्धूपना है, ये एक हम कहते हैं मूर्खता है, और अपने आप को डिस्ट्रॉय करने की, अपनों को डिस्ट्रॉय करने का एक ज़रिया बना रहे हैं आप। जिस तरह से हमने आज डॉक्टर साहब से जाना पूरा ये माजरा क्या है और किस तरह से आपको इफेक्ट करता है, तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी समझ जो इसका सेवन कर रहे हैं उनको भी आ गई होगी, और अगर आपके कोई रिलेटिव हैं, आपके जानने वाले कोई कर रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें रोकिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जैसा कि बीच में बात हुई, ना रोकने वाला भी उतना ही बड़ा गुनहगार होता है जितना कि उस पर्टिकुलर दुष्कर्म को करने वाला, तो प्लीज़ उनकी जान बचाइए और अपने आप को भी स्वस्थ रखें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। वर्ल्ड नो टबैको डे पर आपने जितना लोगों को जागरूक किया उतना बहुत इन सभी को समझ में आया होगा जो भी इस पूरे वीडियो को देख रहे हैं और किस तरह से वो अपने आप को बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर।